नमस्कार, मैं आर रॉय, AR न्यूज़ पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पहुँचे हुए हैं जीरादेव प्रखंड के भरौली पंचायत में, जहाँ के वर्तमान मुखिया नगेंद्र सिंह हमारे साथ आज मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे विगत 5 वर्षों में सरकार की योजनाओं को कैसे इन्होंने धरातल पर उतारने के काम किए हैं, और साथ साथ ये भी जानेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री का जो 7 महत्वाकांक्षी योजनाएँ थी उसमें नल जल का योजना भी शामिल था। तो क्या इस पंचायत के हर जनता को नल जल का लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है, इन तमाम खबरों की जानकारी हम लेंगे। और साथ में ये भी जानेंगे कोरोना काल में कैसे इन्होंने अपने पंचायत के विकास को निरंतर आगे बढ़ाते रहें, और इन तमाम खबरों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए, आइए इनसे मिलवाते हैं। स्वागत है मुखिया जी हमारे चैनल पर आपका। आपका भी चैनल का स्वागत है। तो मुखिया जी, जैसे हम सुबह से आपके पंचायत में भ्रमण कर रहे थे, ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे थे, जनता का मूड जान रहे थे, तो एक चीज़ जान के हमको बहुत आश्चर्य हुआ कि विगत 45 वर्षों से आप ही मुखिया हैं, आपके पिताजी मुखिया थे और आप ही ये चलते आ रहा है, और कहीं ना कहीं लोकतंत्र में 45 साल तक शासक करना ये अपने आप में एक बेमिसाल है। ये खुद पुष्टि करता इस बात के कि विगत कई दशकों से, कई वर्षों से आप जनता की सेवा करते आ रहे हैं, जनता को जो चीज़ें चाहिए उनको देते आ रहे हैं, उनके समस्या का समाधान करते आ रहे हैं, तभी तो जनता उतना ही प्यार सम्मान आज आपको आज दे रही जो आज से 40-45 साल पहले दे रही थी, उसमें कोई गिरावट नहीं आया, हालांकि 1-2% और बढ़ ही गया है। ये कैसे हो पाया, कैसे इसको अभी तक आप लोग बनाए रखे हैं, अब उसको बरकरार रखे हुए हैं? हम जनता को सेवा करते हैं, उसमें हम कहीं कोताही नहीं करते हैं, हर दुख दर्द में जनता के साथ रहते हैं। जिस गरीब लड़की का शादी होता है उसमें हम लोग मदद करते हैं जितना अपने से होता है। हम सरकार के भरोसे नहीं रहते हैं, अपने पॉकेट से भी खर्चा करते हैं अपने पंचायत के लिए। तो मुखिया जी, हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे थे तो हम लोगों से जाना, सरकार के हर योजना पर हमने लोगों से बात किया, लोगों का कहना है कि विकास हुआ है, और मुखिया जी इसी 5 साल में नहीं विगत कई वर्षों से वो विकास करते आ रहे हैं, और सरकार द्वारा जो भी फंड उनको मिलता है वो धरातल पर उतारने का काम करते हैं। हालांकि कुछ लोग हैं जो नाराज़ हैं, क्योंकि जहां पक्ष है वहां विपक्ष भी रहता है, और विपक्ष का होना भी अनिवार्य है क्योंकि वही ताकत देता है और कुछ करने के लिए, अगर विपक्ष ना रहे तो सत्ता में कोई उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो लेकिन आप जो लोगों को हैंड 80% जो लोग हैं आपसे खुश हैं, बाकी जो 20% लोग ना खुश हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? उनका भी हम कार्य जो होगा पूरा करेंगे। सब पंचायत वासी लोग जानते हैं कि मैं अपने फंड से अधिक दूसरे के फंड से ला कर अपने पंचायत में काम कराता हूँ। मुख्यमंत्री फंड हो, विधायक फंड हो, अगर सबसे ज़्यादा कहीं काम हुआ है तो भरौली पंचायत में हुआ है। ये तो हम लोग पुष्टि कर चुके हैं, ये समय भी गवाह दे रहा है कि विगत 45 वर्षों से आप मुखिया हैं, तो ऐसे ही मुखिया नहीं होंगे। कहीं ना कहीं सरकार के फंड से आगे आप कार्य करते हैं, और आप एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, उसका फायदा यहाँ की जनता को मिलता है, और इस जनता को गर्व है कि हाँ, हम भरौली पंचायत के रहने वाले हैं। बोल रहे हैं कि अगली बार से इस बार मैं मुखिया का चुनाव लड़ूंगा, और अगला 5 साल के बाद कुछ अलग प्लान है, तो जनता के लिए क्या सोच रखते हैं? क्या विधायक का चुनाव ऐसा नहीं ना भाई, पार्टी ने टिकट दिया तो हम लोग विधायक का चुनाव लड़ेंगे। तो वो सीट कौन सा हो सकता है, सिवान हो सकता है, जीरादेही हो सकता है, या फिर जिस कंस्टिट्यूएंसी से पार्टी ने टिकट देगा उस कंस्टिट्यूएंसी से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो जनता का जो प्यार सम्मान मिलते आ रहा है, अब कोई बड़ा मुद्दा पे बदलने जा रहा है, बड़ा प्लेटफॉर्म पे आपको जनता लेके जाएगी, तो वहाँ से जनता के लिए कुछ खास सोच रखे होंगे ना, अपने पंचायत के जनता के लिए, अपने विधानसभा की जनता के लिए? सोच तो बहुत है, लेकिन ऊपर वाला चाहेंगे तो सोच पूरा करेंगे। तो मुखिया जी, अब जो आगामी चुनाव आ रहा है उसके लिए जनता से क्या अपील कीजिएगा, और जो भी कोरोना का समय है इसमें क्या अपील कीजिएगा जनता? अगर हम उस लायक होंगे तो हमको चुनेगी, नहीं होंगे तो नहीं चुनेगी। अब कोरोना के लिए जनता से क्या अपील कीजिएगा कोरोना काल में? कोरोना काल में क्या अपील करें, कोरोना देख ही रहे हैं, इसमें सब लोग मजबूरी में चल रहे हैं, जो ये हो अपना देख रेख कर कोरोना में लोग चलें। तो मुखिया जी, हमारे चैनल के माध्यम से अंत में क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी पंचायत की जनता से? हम अपने पंचायत के जनता से यही कहना चाहते हैं कि अगर मैं उस लायक हूँ तो इस बार हमको चुनिए आप लोग, दूसरा कुछ नहीं कहेंगे। जैसा कि हम आए हुए थे जीरादेही प्रखंड के भरौली पंचायत में, जहाँ के वर्तमान मुखिया नगेंद्र सिंह जी हैं, और ये 45 साल से ये लोग मुखिया हैं इस पंचायत के, ये अपने आप में एक इस बात की पुष्टि करता है कि लोकतंत्र में विकास ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। जो व्यक्ति विकास करेगा, जो व्यक्ति जनता के भावनाओं को समझेगा, जो व्यक्ति जनता के समस्या का समाधान करेगा, वो गद्दी पे बैठा रहेगा। और इस पंचायत में यही देखने को मिला है विगत 45 वर्षों से कि इस पंचायत की जनता जाति मजहब धर्म से ऊपर उठकर हर बार विकास को चुनकर अपने समझदारी की परिचय दी हुई है, और 45 वर्षों से लोग मुखिया के पद पर कायम हैं, और जनता की हर समस्या का समाधान ये लोग कई वर्षों से करते आ रहे हैं, और इनको पूर्णतः विश्वास है अपनी जनता पर
ये जनता अगली बार भी जब चुनाव करने जाएगी तो मेरे विकास कार्यों को देखते हुए फिर से मुझे वोट कर अपना मुखिया चुनेगी और अपनी सेवा करने के लिए 5 साल का मौका मुझे अवश्य प्रदान करेगी। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए AR न्यूज़ पे। धन्यवाद।